नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर जो पेपर देख पा रहे हैं, ये पेपर आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, केमिस्ट्री का थर्ड पेपर वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पेपर। ये बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का पेपर है, 2023 का पेपर है। इस पेपर को आप, मुझे पता है कि 2024 में भी देख रहे होंगे, 2025 में भी देख रहे होंगे, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो, ये पेपर में आपको पूरा बताने वाला हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं है अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। ठीक है, तीन घंटे का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 33 है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपका होता है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे तो आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर का है, यानी कि ढाई ढाई प्लस 2। ठीक है, तो इसका देख सकते हो कि कारण सही था आपको समझाना है। अब देखो, इनके आंसर आप खुद से ट्राई करना, या तो आपको अपनी नोटबुक से मिल जाएंगे या गूगल से मिल जाएंगे। गूगल से भी नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल देना, आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। आपको यहाँ पर कारण सही समझाना है। इसका ए ऑप्शन है कि सीआर व सीयू के द्वितीय आयनन विभव के मान अपने निकटवर्ती तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। बी ऑप्शन है कि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणुओं व आयनों का आकार लगभग समान होता है, वो कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सी ऑप्शन है, स्केडियम व क्यू प्लस यौगिक प्रतिचुंबकीय पाए जाते हैं, वो किस प्रकार से पाए जाते हैं आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि जेड एन सी डी व एच जी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, वो क्यों नहीं माना जाता है, एक्सप्लेन करना है। बी ऑप्शन है, निम्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जैसे 43 हो गया, 47 हो गया, 72 हो गया, 78 हो गया, 79 यानी 79 हो गया। ठीक है, सी नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, निम्न आयनों में जैसे Fe(CN6)3-3- व Fe(Br6) यानी Br(3-) यूनिट सेकंड का आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। इसका आपको ए ऑप्शन दिखाता हूं, ए ऑप्शन देख सकते हो कि वर्णन मतलब कि वर्णर सिद्धांत के अभिगणित लिखिए, उपसंयोजक यौगिकों के कुछ विशेष गुणधर्मों की व्याख्या में अभिधारणाएं किस प्रकार प्रयोग की गई, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बी ऑप्शन है, निम्न यौगिकों के आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, जैसे फर्स्ट है K3Fe(CN6), सेकेंड है Na2PtCl4, थर्ड है CONH3(6Cl3) और फोर है CrCl2EN2Cl, ये आपको क्लोराइड मतलब कि ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। फोर नंबर का क्वेश्चन है कि द्विक लवणों व संकुल लवणों में क्या अंतर है, एक्सप्लेन करना है आपको। सेकंड ऑप्शन है पश्च बंधन को आपको उदाहरण सहित समझाना है। सी ऑप्शन है, NiCl4(2- अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4(2- प्रतिचुंबकीय है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, अनुचुंबकीय कौन सा है, प्रतिचुंबकीय कौन सा है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि 4F व 5F कक्षकों में से किसका परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1.5 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का है। ठीक है, बी ऑप्शन है, परा यूरेनियम तत्वों की परिभाषित कीजिए तथा ऐसे दो तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, सी ऑप्शन है, लैंथेनाइडो व एक्टिनाइडो में सामान्यताएं व असामान्यताएं आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है जो कि 6.5 नंबर का क्वेश्चन है, वो है इसका ए ऑप्शन देख सकते हो कि कुछ लैंथेनाइड अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अतिरिक्त +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था को क्यों प्रदर्शित करते हैं, समझाना है। बी ऑप्शन है, एक्टिनाइडो की ऑक्सीकरण अवस्था पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सी ऑप्शन है, लैंथेनाइडो व एक्टिनाइडो के प्रति के चुंबकीय गुणों की आपको तुलना करनी है। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, यूनिट 4 का 7वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्न को कारण सही समझाइए। फर्स्ट है FeAlMg व ZN धातु CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देते हैं, जबकि Ag ऐसा नहीं कर पाता, वो क्यों नहीं कर पाता, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बी ऑप्शन है, क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु जल का अपचयन कर देती है, जबकि CO3+ लवण जल द्वारा अपचयित हो जाता है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। सी ऑप्शन देख सकते हो कि आयरन ऑक्साइड के अपचयन, आयरन मतलब कि आयरन ऑक्साइड के अपचयन में CO का उपयोग कार्बन की तुलना में अधिक लाभकारी है, वो किस प्रकार से लाभकारी है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आठवें नंबर का क्वेश्चन है,
निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट है लेटिमर आरेख एवं उसकी उपादेयता, सेकंड है रेडॉक्स चक्कर एवं उसके अनुप्रयोग। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, यूनिट फिफ्थ का जो क्वेश्चन है वो 6.5 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो इसका ए ऑप्शन देख सकते हो कि समझाइए कि क्यों। फर्स्ट है एसिटेमाइड जलीय विलयन में एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है, पर द्रव अमोनिया विलयन में यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, वो किस प्रकार से प्रदर्शित करना है। बी ऑप्शन है कि कार्बनिक यौगिकों के लिए द्रव SO2 द्रव अमोनिया की अपेक्षा अधिक अच्छा विलायक है, वो किस प्रकार से है। सी ऑप्शन है धातु अमोनिया विलयन बहुत अच्छे विद्युत चालक होते हैं, वो किस प्रकार से चालू होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन देख सकते हो, अम्ल व क्षार की ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा समझाइए, इस धारणा की सीमाएं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है द्रव अमोनिया में निम्न अभिक्रियाएं लिखिए, फर्स्ट है अम्ल क्षारक अभिक्रिया, सेकंड है रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कि 10th 12th में पूछी जाती है, सॉरी 12th में पूछी जाती है। थर्ड है अमोनी अपघटन अभिक्रिया, फोर्थ है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये आपका पेपर था केमिस्ट्री का, अब इसके बाद में जो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड भी आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, और आपका कोई बॉयफ्रेंड हो या आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सभी को आप इस पेपर को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाय।